हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। रोज़ की तरह आज फिर से हम जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? छाया कहाँ दिखाई दे सकती है? आपको बताना है छाया कहाँ दिखाई दे सकती है। छाया मतलब प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, दीवार पर, पर्दे पर, जमीन पर या फिर उपर्युक्त सभी पर। आपको बताना है छाया कहाँ दिखाई दे सकती है। तो इसमें आपका जो डी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि छाया दीवार पर भी, जमीन पर, पर्दे पर, सब जगह दिखाई दे सकती है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? आपको बताना है बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी है। ऑप्शन देखिए, लोहा, पीतल, टंगस्टन और स्टील। इसमें से बताना है कि बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी है। तो आपका सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा क्या होता है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है, बिजली का चालक, बिजली का कुचालक, सभी चालक, कभी चालक कभी कुचालक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हवा है वो बिजली का कुचालक है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। श्वसन के लिए क्या आवश्यक होती है? श्वसन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, जल, वायु, आग या फिर खाली जगह। तो आप जानते हैं श्वसन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? जो नीचे कीट दिए हैं आपको बताना है उसमें से कौन लाभकारी कीट नहीं है। ऑप्शन देखिए क्या है, पहला दीमक, दूसरा लाख कीट, तीसरा है रेशम कीट और चौथा क्या है, मधुमक्खी। बताना है कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। तो इसमें ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, दीमक जो है वो लाभकारी कीट नहीं है, बाकी सब लाभकारी कीट हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा देखिए सबसे कम किस में होती है, सबसे कम ठोस में होती है, उसके बाद फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है ना। सबसे कम किस में? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो आपको बताना है कि ये जो बढ़ने का क्रम है, मतलब सबसे कम देखिए, पहला ऑप्शन देखिए ठोस में सबसे कम है, फिर द्रव में उससे ज़्यादा, फिर गैस में उससे ज़्यादा। तो ये ए वाला ही सही होगा, ऑप्शन चाहे और आप देख सकते हैं, लेकिन ए वाला उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, बाकी सब में जो होगा वो गलत दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि ठोस में सबसे कम होती है गतिज ऊर्जा, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, क्योंकि ठोस के अणुओं के अणु बहुत पास पास होते हैं, उनके अंदर के अंतराणु बल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसे बोला जाता है। इसी कारण से क्या होता है, इनमें जो गतिज ऊर्जा होती है कम होती है, जैसे जैसे अंतरों में उससे ज़्यादा, फिर गैस में उससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधा कोशिका का पावर हाउस आपको बताना है कौन होता है? जैसे पादप कोशिका जिसको बोल सकते हैं उसका पावर हाउस किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, कि सेंट्रोसोम को, कि राइबोसोम या फिर माइटोकांड्रिया को। आपको बताना है किसको कहा जाता है पौधा कोशिका का पावर हाउस, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। अगले देखिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब और गुरुत्व। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, तो बी नंबर जो बिल्कुल सही होगा, जो वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी बनी होती हैं? अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी बनी होती हैं, लोहे की, कि सोने की, या चांदी की, या मैग्नीन की, ठीक है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, मैग्नीन की बनी होती हैं, और डी नंबर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, चूँकि इसके अलावा जो है वो उनकी प्रतिरोधकता मैग्नीन के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है, और भी कई गुण होते हैं मैग्नीन में। अगला देखिए क्या है, मानव के दोनों कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है मानव के जो दो कान होते हैं उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, दो होती हैं कि चार, कि छः, कि आठ। आपको बताना कौन सा उत्तर सही होगा, तो सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, उसमें कुल छः हड्डियां होती हैं। अगर देखा जाए मानव के शरीर में कुल कितनी होती हैं, 206 होती हैं, और अगर मान लीजिए
उनके चेहरे की बात किया जाए। मनुष्य के चेहरे पे कुल मिला के कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 होती हैं सिर्फ चेहरे की। और अगर रीढ़ की हड्डी की बात किया जाए तो रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियाँ होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है? आपको बताना है गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है। थर्मल ऊर्जा का मापन, अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण। आपको बताना है गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है। तो जो पहला जो है बिल्कुल सही होगा, थर्मल ऊर्जा का मापन, ठीक है, थर्मल ऊर्जा का मापन, ठीक है। अगला देखिए क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, CaOCl2, CaCl2, CaOCOH का होल ट्वाइस। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आपका ए नंबर जो है बिल्कुल सही है, CaOCl2, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का ये आणविक सूत्र है, आण सूत्र भी लिखा जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या और क्या बोला जा सकता है, विरंजक चूर्ण, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? आपको बताना है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह के ऊपर होता है? 1/9, 1/10, 1/6 की, 1/4। आपको बताना है कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो इसमें आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, 1/10, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेफाइट की प्लेट। आपको बताना है कौन सा है, तो स्लेट, सॉरी स्लेट। तो इसमें कोयला जो है वो जैव सेल होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला, गाड़ी चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी कि स्थितिज ऊर्जा होगी कि गतिज और स्थितिज दोनों होगी कि जीरो होगी, ठीक है। तो इसमें सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई, मतलब फोकस दूरी होती है। तो ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? दोनों उत्तल लेंस हैं, दोनों उत्तल हैं कि दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है, या दोनों अवतल है, या फिर दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपको बता देते हैं, जिस फोकल लेंथ दोनों निगेटिव है, दोनों की फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव है, तो यह जो है अवतल में होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगर वही उत्तल होता तो उत्तल में दोनों के, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों का ये जो फोकल लेंथ है वो प्लस में होता। अब अगर अवतल की बात करते हैं तो अवतल का चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, वो दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है क्वेश्चन हमारा कि प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? ऑप्शन देखिए क्या है, वायवीय तना, मूल और शल्क पत्र या फिर कली। आपको बताना है किस में खाद्य जमा होता है, तो शल्क पत्र में जमा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अगला है हमारा, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? ऑप्शन देखिए, कोशिकीय श्वसन और किण्वन, स्फीत और विस्तारण, प्रश्वसन और निःश्वसन, और अनुगमन और निगमन। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। तो सांस लेने की प्रक्रिया में आपका प्रश्वसन और निःश्वसन दोनों सम्मिलित है, तो आपका क्या होगा, ये सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है, ऑप्शन देखिए, पहले तो देखिए, ए में दिया गया उत्तल दर्पण, बी में दिया गया है समतल दर्पण, सी में दिया गया है अवतल दर्पण। ऑप्शन जो है वो केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है। तो हम आपको बता देते हैं कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी हमेशा बनता है और समतल दर्पण में भी हमेशा ही बनता है, इसलिए सी नंबर जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए और बी दोनों में क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है? आपको बताना है किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होगी। ऑप्शन देखिए, जब वो मेज पर बैठा हो, कि छत पर बैठा हो, या फिर कुर्सी पर बैठा हो, या भूमि पर बैठा हो। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, बी नंबर बिल्कुल सही होगा, छत पर, क्योंकि उसकी छत पर ही ऊंचाई ज़्यादा होगी, बाकी सब पे ऊंचाई कंपेयर किया जाए इससे तो कम ही होगी। जितना ज़्यादा ऊंचाई पर हो कोई वस्तु या व्यक्ति, स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती, इसलिए क्या होगा, इस बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों की बनी होती है, दो परतों से बना होता है, लीवर फ्लक या टेप वार्म, हाइड्रा या फिर प्लेन एरिया। तो इसमें से आपको बताना सही उत्तर कौन सा है। तो हम आपको बता देते हैं, हाइड्रा का जो शरीर होता है वो किसका बना होता है, कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम जनरल साइंस के क्वेश्चन डेली आपको देते रहेंगे, और जी के जी एस और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम आपको रोज़ अपडेट कराते रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता, इसी तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।